हे गेमर्स और सब, आज मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट सुपर हीरोज की गेंद बताने वाला हूँ, चाहे वो डीसी यूनिवर्स से हो या फिर मार्वल यूनिवर्स से। तो अगर तुम्हारे पास एक लो एंड पीसी, फिर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट सुपर हीरो गेम आता है फाइटिंग जॉनर के अंदर, जो मेरे हिसाब से तुम्हें पसंद आएगा इसे प्ले करने के बाद, क्योंकि इसमें वो इंगेज रखने वाली बात है। एंड इसमें तुम्हें काफी फेमस सुपर हीरोज भी मिलेंगे, जैसे बैटमैन, जोकर, ग्रीन लैंटर्न, फ्लैश, सुपरमैन, वंडर वुमन। और अगर तुम्हें फाइटिंग के अलावा स्टोरी टाइप गेम पसंद है तो ये तुम्हें डिसेंट लेवल स्टोरी भी ऑफर करता है। एंड इस अमेजिंग गेम का नाम है इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस। और इसके गेम प्ले में तुम्हें हीरोज एंड विलन्स की एपिक बैटल्स देखने को मिलेगी, या फिर कहा जाए करने को मिलेगी, जहाँ पर तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारा हीरो असलियत में हीरो है भी या फिर नहीं। और इस गेम की सबसे कूल चीज है इसके ट्रांजिशन, तो अगर तुम हो डीसी कॉमिक्स के फैन, फिर इसकी तरफ जरूर जाना। ये रहा तुम्हारा सेकंड गेम, जो आता है एक्शन एडवेंचर जॉनर के अंदर, जिसमें तुम गोथम सिटी से हटकर पूरी दुनिया को बचाने के मिशन पर होते हो, जो कि अच्छी बात है। एंड गेम के अंदर तुम्हें डिफरेंट लैंटर्न वर्ल्ड्स मिलेंगे, जहां पर तुम्हें जाकर लैंटर्न रिंग्स को कलेक्ट करना होगा। और अगर तुम्हें लैंटर्न रिंग्स के बारे में पता है तो बाकी लोगों को कमेंट में बता सकते हो। और इस अमेजिंग गेम का नाम है लेगो बैटमैन 3। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया, तुम इसमें पूरी दुनिया को बचाते हो, तो तुम्हें इसमें काफी एक्साइटिंग स्पेस कॉम्बैट भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए तुम इस वीडियो पर एक लाइक कर सकते हो। और जब तुम इस गेम को प्ले करने बैठोगे, तुम्हें इसमें 150 से भी ज्यादा अनलॉकेबल कैरेक्टर्स मिलेंगे, जिनसे तुम प्ले कर सकते हो। एंड उन सभी कैरेक्टर के पास है कुछ स्पेशल पावर्स एंड एबिलिटीज, तो मेरी तरफ से डीसी फैंस को ये और प्रीवियस वाला गेम बिल्कुल रिकमेंड है। अब ये गेम तुम्हारा एक थर्ड पर्सन शूटिंग गेम है, जिसके बारे में तुम्हें शायद ही पता होगा, क्योंकि ये गेम इतना पॉपुलर नहीं है। तो इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलता है मार्वल कॉमिक्स का एंटी सुपर हीरो, जिसका नाम है द पनिशर। और इसके ऊपर एक सीरीज भी है जो तुम्हें नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, एंड इस गेम का नाम भी यही है, द पनिशर। और इस गेम के अंदर की शुरुआत कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर तुम्हारे मेन कैरेक्टर की फैमिली का कुछ माफिया मर्डर कर देते हैं, एंड जब से तुम अपनी पूरी लाइफ उन क्रिमिनल्स को पनिश करने में डिवोट कर देते हो। और इस टाइप के कुछ अमेजिंग एंड नए गेम्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये है अब तुम्हारा एक एक्शन एडवेंचर गेम, जो बेस्ड है 2005 में मूवी फैंटास्टिक फोर पर, और शायद तुम में से ज्यादा लोगों ने वो फिल्म देख रखी होगी, क्योंकि काफी बार टीवी पर आ चुकी है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता, तो फैंटास्टिक फोर मार्वल कॉमिक्स की सुपर हीरो टीम है, और तुम उस टीम के किसी भी कैरेक्टर को इस गेम में प्ले कर सकते हो, जहाँ पर हर कैरेक्टर के पास कुछ स्पेशल अटैक्स एंड कॉम्बोज है। और इस गेम का नाम भी इसे मूवी से इंस्पायर है, फैंटास्टिक फोर। एंड अगर तुम इसके विजुअल्स को देखोगे तो वो डिसेंट लेवल है, और अगर तुम्हारे पीस में 1 GB रैम या फिर उससे भी कम है, फिर भी तुम इसे प्ले कर सकते हो। एंड जो मूवी का मेन प्लॉट था, वही तुम्हें गेम के अंदर देखने को मिलेगा, जिससे अगर तुमने वो मूवी नहीं देखी फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चाहो तो इसकी तरफ जा सकते हो। इस मोमेंट पर अब मैं ट्राई करूंगा तुम्हें काफी बेस्ट गेम बता सकूं। तो ये है एक एक्शन एडवेंचर गेम, जिसमें तुम्हें मार्वल कॉमिक्स से काफी फेमस स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। और जो ये गेम है, वो स्पाइडरमैन 1 की सक्सेस को देखकर रिलीज करा गया था 2002 में, लेकिन इस गेम में तुम्हें कुछ चीजें ही देखने को मिलेगी जो मूवी से कनेक्ट है, एंड बाकी सभी चीजें गेम में नहीं है। और इस गेम का नाम है स्पाइडरमैन द मूवी। एंड गेम के अंदर तुम्हें नॉर्मल क्रिमिनल्स को डिफीट करना है और मासूम लोगों की जान बचानी है। एंड इन चीजों के अलावा इसमें तुम्हें कुछ मेन बॉसेस भी देखने को मिलेंगे। एंड जो ये पूरा गेम है, वो मुझे थोड़ा कलरफुल लगा, मतलब इसका गेम प्ले देखने में काफी अच्छा लगता है, और इस गेम को भी तुम किसी भी लो एंड पीसी में चला सकते हो। एंड अगर तुम्हें गेम्स अच्छे लगे हो, तो फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल के साथ।